एक दो दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, अगर मध्य प्रदेश की आप मूल निवासी हैं और शिवराज सिंह को फॉलो करते हैं, तो उन्होंने एक भाषण दे रहे थे कहीं कि मिलावटखोरों को मध्य प्रदेश छोड़ देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, मैं 10 फीट गाड़ दूंगा नीचे, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो इसी पर एक अध्यादेश आया हुआ है, मध्य प्रदेश में खाद्य पदार्थों एवं दवाओं में मिलावट को रोकने हेतु अध्यादेश पारित हुआ है। अब आपका देखिए, एमपीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बन सकता है, प्रारंभिक परीक्षा में अध्यादेश के बारे में पूछ ले, या आपसे 3 नंबर में भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, या 6 नंबर में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। कई बार अध्यादेश आपका को लेकर सिविल सर्विस में भी क्वेश्चंस आ गया है। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब संसद का या फिर आपकी विधानसभा का सत्र ना चल रहा हो, जैसे मध्य प्रदेश की का उदाहरण आप लोग लीजिए, मध्य प्रदेश में आपकी विधानसभा है, अभी विधानसभा नहीं चल रही है, आपको मालूम होगा, तो इसलिए अध्यादेश लाया गया है। इसी तरह आप देखेंगे संसद में, आपने देखा होगा कि 3 कृषि कानून बन चुके हैं, वो पहले अध्यादेश के रूप में आए हुए थे। तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति साहब के पास शक्ति है कि वो अध्यादेश लाता है, लेकिन याद रखिए ये मंत्रिमंडल की सलाह पर ले आते हैं, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति साहब अपने आप मन किया और ले आए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, राज्यपाल की अगर बात करें तो राज्यपाल राज्य की सरकार जो सत्ता में हो उसके एक तरह से आप कहिए उसी के विचार पर लाता है, लेकिन किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल साहब लाते हैं अध्यादेश? आर्टिकल 213 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 123 के तहत आपके राष्ट्रपति साहब को के पास शक्ति है, और आर्टिकल 213 के तहत आपकी किसके पास है? आपके राज्यपाल साहब के पास। ठीक है, एक बात और आप याद रखिए कि मध्य प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश के बारे में एक सामान्य, वैसे हम लोग विस्तार से बात कर चुके हैं आपकी मध्य प्रदेश के बारे में, जो भी स्पेशल है मध्य प्रदेश का जीके है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ मैं दिखा देता हूँ, कुछ सामान्य जानकारी भी बता देता हूँ। ये हमारा प्यारा जो नया भारत है, नया मैप्स आया हुआ है, उसी की है, जहां आप देखेंगे जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया है, लद्दाख को अलग कर दिया गया है, ये आपके पड़ोसी हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये यहाँ आपका म्यांमार लगा हुआ है, नीचे श्रीलंका है। एक बात और आपको बताऊं, आपको सभी राज्यों को कंठस्थ याद कर लेना चाहिए कि कितने राज्यों की सीमा कितने राज्यों से लगती है, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार आपके डायरेक्ट प्रारंभिक परीक्षा में पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, आप समझ रहे हैं? तो यहाँ मध्य प्रदेश को आप देखेंगे तो बीचों बीच में है, जिसे आप लोग हृदय प्रदेश भी कहते हैं, मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश भी कहते हैं, सोया प्रदेश भी कहते हैं, आप लोग नदियों का मायका भी कहते हैं मध्य प्रदेश को। ठीक है, तो इसके नीचे आप महाराष्ट्र देखेंगे, यहाँ छत्तीसगढ़, सन 2000 के पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब इसे अलग करके क्या कर दिया गया है, छत्तीसगढ़ को नया एक राज्य बना दिया गया था। ठीक है, और ऊपर आप जाएंगे तो उत्तर प्रदेश है, और ये राजस्थान, गुजरात, कहने का मतलब है कि 5 राज्यों से सीमा लगती है मध्य प्रदेश की। ठीक है, ये एक बात याद रखिए। और अगर मध्य प्रदेश की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, इसकी राजधानी भोपाल आपको देखने को मिलेगी, और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा है केवल, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, विधानसभा में आपके 231 सीटें देखने को मिलेंगी, जिसमें आपके 230 डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते हैं और एक को मनोनीत किया जाता है। अगर राज्यसभा सीटों की बात करें तो 11 देखने को मिलेगी, लोकसभा सीटें 29 देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये है आपकी मध्य प्रदेश की कहानी। इसका हाईकोर्ट की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा, हाईकोर्ट कहाँ है? जबलपुर में। और खंडपीठ की बात करें तो इंदौर और ग्वालियर में इसकी खंडपीठ देखने को मिलेगी, किसकी? मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट की। ठीक है, खंडपीठ का क्या होता है कि एक बड़ा राज्य होता है तो उसे कई हिस्सों में, एक तरह से आप सोचिए ग्वालियर की तरफ के लोग जबलपुर ना पहुंच पाए, इसलिए उस तरफ एक तरह से व्यवस्था कर दी गई है कि वहां के केसों को वहीं देख लिया जाए। ठीक है, एक तरह की। चलिए अब इस अध्यादेश के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने एक अध्यादेश, दंड विधि मध्य प्रदेश संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है, जिसमें राज्य में खाद्य पदार्थों एवं दवाओं में मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान भी रखा गया है। वैसे मुझे लगता है कि अच्छी बात है। अब आप ही सोचिए, क्या सोचना है आप लोगों को, कि आप ही सोचिए कि इस तरह की अगर मिलावट होती है तो कौन इससे परेशान होगा? आम जनता ही परेशान होगी। अब आप देखेंगे कहीं खाद्य पदार्थों में, जैसे दाल में कंकड़ मिला देना, या फिर किसी दवा में आप सस्ती दवा का मिलावट कर देना,
और इस तरह का प्रावधान मुझे लगता है कि काफी अच्छा है, और देश में भी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छे से क्या होनी चाहिए? व्यवस्था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार खाद्य पदार्थों एवं दवाओं में मिलावट एक दंडनीय अपराध होने के बावजूद खाद्य पदार्थों व दवाओं में मिलावट की खबरें लगातार आ रही हैं। कोरोना वायरस रोगियों और वैक्सीन के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्लाज्मा में भी मिलावट की खबरें आई थी, इसलिए राज्य में इस संबंध में सख्त कानून की आवश्यकता थी। और मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश में मिलावट की प्रथा को अनुमति नहीं दी जाएगी। कई बार तो आप लोग सुनते रहते होंगे कि वो चावल में भी कंकड़ देखने को मिलता है, देखा होगा आप लोगों ने, कई बार आ जाता है आपके मुंह में, तो बड़ा आप समझ रहे हैं कि आप गुजरती है आप पर। अगर दंड विधि मध्य प्रदेश संशोधन अध्यादेश 2020 से जुड़े हुए फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में दंड विधि मध्य प्रदेश संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गई है। इस अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। एक बात आपको बताऊं, पहले क्या होता है कि राज्यपाल क्या कहता है, एक तरह से अध्यादेश लाता है, फिर क्या होता है कि इसे पास भी करवाना होता है आगे, जब भी आपकी या लोकसभा राज्यसभा या आप देखेंगे विधानसभा चलेगी तब इसे पास करवाना पड़ता है। उसके बाद आप देखते हैं कि इस पर राष्ट्रपति साहब या फिर राज्यपाल के सिग्नेचर होते हैं और ये अधिनियम में यानी कि कानून बन जाता है। इस अध्यादेश में मध्य प्रदेश में खाद्य पदार्थों एवं दवाओं में मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान भी किया गया है। मध्य प्रदेश की राज्य की मंत्रिमंडल ने 12 अध्यादेशों की अनुमति दी है, इनमें से एक दंड विधि मध्य प्रदेश संशोधन अध्यादेश 2020 भी है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित भी अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। एक बात और बताऊं आपको, पहले आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश लाया था धार्मिक स्वतंत्रता, एक तरह से जो धार्मिक जाति को लेकर नहीं, एक तरह से शादी होती कर लेता है कोई धर्म परिवर्तन के नाम पर, ठीक है, इस तरह की व्यवस्था। फिर कर्नाटक आपने देखा होगा, उससे पहले हरियाणा, अब मध्य प्रदेश भी इस तरह का काम कर रहा है। दंड विधि मध्य प्रदेश संशोधन अध्यादेश 2020 में प्रत्यक्ष तौर पर मिलावट करने वाले व्यक्तियों को दंडित किया जाएगा, ना कि व्यापारियों को। और इस अध्यादेश के माध्यम से भारतीय दंड संहिता की धारा 272, 273, 274, 275, 276 सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित में 6 महीने के कारावास और 1,000 तक के जुर्माने को बदलने के लिए संशोधन किया गया है आजीवन कारावास की सजा हेतु। एक बात याद रखिए, ये धाराएं आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको इंटरेस्ट है इस तरह की धाराओं में तो आप लोग याद रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा मुझे लगता है कि आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि याद रखें, क्वेश्चंस बन सकता है, हो सकता है कि इस तरह का भी क्वेश्चंस पूछ ले स्टेट पीसीएस में या कोई किसी वनडे एग्जाम में, तो खैर आप लोग आपके ऊपर है, ठीक है। क्या होती है खाद्य पदार्थ में मिलावट, आके ये बात की जा रही है, जो मिलावट की आखिर होती क्या है। सामान्य रूप से किसी खाद्य पदार्थ में कोई बाहरी तत्व मिला दिया जाए और उसमें से कोई मूलवान पोषक तत्व निकाल लिया जाए या फिर भोज्य पदार्थों को अनुचित ढंग से संघनित किया जाए तो उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है, इसलिए उस खाद्य सामग्री या भोज्य पदार्थों को मिलावट युक्त कहा जाता है। खैर छोड़िए, आप लोग दूध का ले लीजिए, आप लोग चलिए दूध में पानी मिला दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, समझ रहे हैं आप लोग। या फिर आप देखते होंगे पेट्रोल में मिट्टी का केरोसिन तेल भी मिला दिया जाता है, समझ रहे हैं, इस तरह की मिलावट। आज हालात ये है कि बाजार में उपलब्ध खाद्य पदार्थों में मिलावट का संशय बना रहता है, जैसे आप देखेंगे दालों में, अनाज में, दूध, मसाले, घी से लेकर सब्जी व फल तक कोई भी खाद्य पदार्थ मिलावट से अछूता नहीं है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्परिणाम की बात करें, दुष्प्रभाव क्या पड़ते हैं आके, वर्तमान समय में स्वार्थी उत्पादक एवं व्यापारियों के द्वारा अत्यधिक लाभ हेतु खाद्य सामग्री में अनेक सस्ते अवयवों की मिलावट कर रहे हैं, जिससे न केवल हमें आवश्यक पोषक तत्व की आपूर्ति बाधित होती है बल्कि कई हानिकारक तत्व रसायनों से हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे शारीरिक विकार उत्पन्न होने की आशंका भी बढ़ जाती है। खाद्य आप मिश्रण से आंखों की रोशनी जाना, हृदय संबंधी रोग, लीवर खराब होना, कुष्ठ रोग, आहार तंत्र के रोग, पक्षाघात और कैंसर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जो खाद्य पदार्थों में अगर किसी तरह की मिलावट की जा रही है उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में फूड प्रोवाइजिंग के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जाते हैं।
खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने हेतु क्या क्या प्रयास किए गए अभी तक, उन्हें भी देख लीजिए आप लोग। खाद्य अपमिश्रण अधिनियम PFA एक्ट 1954 का है। सबसे पहले भारत सरकार द्वारा खाद्य सामग्री की मिलावट को की रोकथाम तथा उपभोक्ताओं को शुद्ध आहार उपलब्ध कराने के लिए यह अधिनियम लागू किया गया। उपभोक्ताओं के लिए शुद्ध खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी है। ये इसीलिए बनाया भी ही गया, इसका उद्देश्य बनाने का यही है, किसका, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की, लोगों को शुद्ध खाद्य पदार्थों की पूर्ति हो, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं अच्छे से मिले, मानव कल्याण हो। समझ रहे हैं आप लोग। फूड एंड ड्रग नामक आयोग, खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने हेतु इस पहल की शुरुआत की गई, जहां शहरों में म्युनिसिपल अधिकारी यह कानून लागू करते हैं, वही गांव में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त फूड इंस्पेक्टर यह काम करते हैं। फूड इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर का काम होता है कि वह सभी दुकानों और खानों के सामान आदि की दुकानों में जाएं और वहां बिकने वाली खानों की, खाने की जो भी चीजों की गुणवत्ता की जांच करें। इसका आप लोग फॉर्म भी डालते होंगे, ठीक है, किसका, फूड इंस्पेक्टर का निकलता है, उसका आप लोग फॉर्म भी डालते हैं, अच्छी भली कमाई भी करते हैं आप लोग, ठीक है, कई लोग इसमें हुए होंगे। फिर आपका एक है भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण। केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का गठन किया है। FSSAI मानव उपभोग के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षा, सुरक्षित व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम करता है। फिर आपने देखा होगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भी आया हुआ है और इसके तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई है, जो उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और संस्थान की शिकायतों की जांच करेगी। यदि कोई उत्पाद या सेवा में दोष पाया जाता है तो उत्पाद निर्माता, विक्रेता या फिर सेवा प्रदाता को क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। तो इन्हें भी आप लोग याद रखिए, मध्य प्रदेश के अगर मूल निवासी हैं तो आप लोग मध्य प्रदेश के जो आया हुआ अध्यादेश, इसे भी आप लोग याद रखिए, ठीक है, इसके बारे में जो भी पॉइंट है। और सबसे ज्यादा आप लोग एक पॉइंट और याद रखिए कि राज्यपाल को किस आर्टिकल के तहत शक्ति दी गई अध्यादेश लाने की और राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के तहत है। तो आर्टिकल 123 के तहत, 1-2-3 के तहत आपका राष्ट्रपति साहब लाते हैं, और आप राज्यपाल की बात करें तो आपका आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल साहब लाते हैं। और आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिस तरह से केंद्र में आपके राज्यपाल के राष्ट्रपति साहब होते हैं, उसी तरह के राज्य में क्या होते हैं, आपके राज्यपाल होते हैं, ठीक है। तो यही कहानी है आपकी, तो इन्हें आप लोग याद रखिए, हो सकता है कि MPPSC में आपका क्वेश्चन आ जाए, इस तरह के क्वेश्चन पूछ भी लेता है।